हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम देखेंगे कि आज हम जाएंगे मेरे हॉस्टल, मतलब मेरा के जैसे कि कल रिजल्ट आया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ के हॉस्टल में मतलब मेरा नंबर लग गया है। तो देखते हैं, आज हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हॉस्टल में जा ही रहे हैं। तो इस ब्लॉग का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हॉस्टल ब्लॉग। फर्स्टली हम यहाँ पे जा रहे हैं गोइंग टू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हॉस्टल ब्लॉग। गाइस, आप इस ब्लॉग में देखेंगे मेरी जर्नी, जैसे कि मैं कैसे हॉस्टल जाता हूँ वही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, व्हाट यू सीइंग? आई एम गोइंग टू बाथ नाउ। तो अभी मैंने नहा लिया है, चलिए अब जल्दी जल्दी फटाफट तैयारी करते हैं। वेट काफ़ी भारी हो गया है, तो आज हम चेक करेंगे कि मेरे बैग का वेट कितना हो गया है। देखते हैं आज हमारे बैग का वज़न कितना हो गया है। देखिए काफ़ी भारी है जी, हाथ से उठाते भी नहीं आ रहा। देखिए लगभग इसका है 6100 प्लस ग्राम। मेरी बैग है 6 किलो की, देखिए काफ़ी भारी है। ओके कर लिया है। देखिए यार, इसमें किताबें, इसमें कपड़े, और इसमें मैट्रेसेस, मतलब कोई चादर और ब्लैंकेट है। अभी हम जाने के लिए रेडी है। वो अभी मैं शूज पहन रहा हूँ। देखिए बाय। You in a great 6 feet like candy.
अभी हमें आए थे AICTE में, जहाँ पे हमारा मतलब रूम नंबर दिखाया गया था। अभी मैं इस हॉस्टल में आया हूँ, AICTE हॉस्टल में। वहाँ पे बताया गया है कि 3 बजे हमारी फाइनल लिस्ट लगने वाली है हॉस्टल की, तो देखते हैं। और तो उस लिस्ट में हमारा रूम नंबर लिखा हुआ रहेगा, तो रूम नंबर देखेंगे और अपने रूम में जाएंगे, और मैं आपको अपना रूम भी बता दूँगा और एक रूम टूर भी हो जाएगा हमारा। विराट कोहली मिल गया। यहाँ पे अभी 4 बज चुके हैं और अभी तक फाइनल लिस्ट आई नहीं है, तो देखते हैं क्या लगता है। पर मेरा नंबर लग जाएगा, मगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है जो मैं क्या कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैं अपनी हॉस्टल रूम देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या मिलते हैं, पार्टनर्स वगैरह भी रहते हैं, मतलब एक रूम में 3 पार्टनर्स रहेंगे, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आगे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये है वो सर आए हैं। काफ़ी गर्दी हो गई है। तो अभी देखिए यहाँ पे रूम नंबर 15, ये 14, 16, 17। यहाँ पे कुछ इसके लिए क्या है, कुछ सही है ये। यहाँ पे देखिए वो पापा ने कहा है कि मुझे ये रूम मिली, तो देखते हैं अब कुछ इस तरीके का माहौल है इस रूम में, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे कौन से रूम इससे बेटर अगर कोई मिलती तो मैं वही प्रेफरेंस करूँगा। ये हमारा हॉस्टल, तो मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके बता दूँ कि कैसा है हमारा हॉस्टल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती बॉयज़ हॉस्टल। वैसे मेरी ब्रांच मैकेनिकल है। कुछ ऐसा है व्यू, तो आपने देख चुका होगा मेरा हॉस्टल, और मैं इसका रूम टूर भी आपको अच्छे से कराऊंगा। अभी मैं अभी बाहर आया हूँ, मेरा दोस्त भी आने वाला है, तो उसके लिए रुकते। तो देखिए कुछ इस तरीके का एंट्रेंस है, और यहाँ पे रूम्स देखिए, रूम नंबर 1 to 12 मेस हॉल, एंड रूम नंबर 13 to 25।
यहाँ पे कुछ इस तरह है, यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। तो कुछ इस तरह ये सर देखना है अभी क्या होता है। तो हम मैट्रेस लेने जाएंगे, तो देखते हैं हम सामान लेते हैं अभी, जो भी एक्सेसरीज लगेगी मुझे हॉस्टल में। तो गेट ले देखते हैं यहाँ पे कैसा है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी वेराइटी की दुकान है, तो अभी हम यहाँ पे बैठते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसी वेराइटी से अभी चेक कर रहे हैं कौन सा बेल्ट लेंगे। जर्किंग लेना है तो हम यहाँ पे आए हैं जर्किंग की दुकान में। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे जर्किंग दिख रहे हैं इतने सारे। हाँ पहन गया है तो इस तरीके में दिख रहा है वो, तो देख सकते हैं आप। यूनिफॉर्म ले रहे हैं तो देखते हैं आज कॉलेज का यूनिफॉर्म हम कैसे लेंगे। तो व्हाइट शर्ट हमने देखा, तो व्हाइट शर्ट यहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो अब हम देखेंगे कि हमारा पैंट कैसा है। तो अब हम सेकंड पैंट दिख रहे हैं। हमारा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ सामान होगा तो हम यहाँ से एक्सेसरीज ले सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है चप्पल। अच्छा अभी वो देखो स्लीपर और सैंडल लेने के लिए गए थे पर कुछ वहाँ पे मिला नहीं, हमारा कुछ जमा नहीं यहाँ पे। तो अभी हम दूसरे के दुकान पे देखते हैं तो अभी हम कि क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम मम्मी गादी ले रहे हैं जो कि स्पंज की हमें चाहिए। तो देखते हैं अभी हमें गादी मिलती है या नहीं, मतलब हमें स्पंज की गादी चाहिए इसको देखते हैं। तो फिर मैट्रेस मिलती है। हमने हॉस्टल में आ चुका हूँ और देखिए मैंने अभी इतनी सारी शॉपिंग की है, देखिए इतनी रही होगी उतनी शॉपिंग। पर मैंने ये गद्दा खरीद लिया है, देखिए स्पंज का है, और ये पिलो खरीद लिया है जो क्या कुछ तो भी साइंटिफिक नेम बताया था इसका। तो देखिए अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी मैंने खाना खा लिया है, तो कल से मेहनत लगानी पड़ेगी। आज तो मैंने घर का खाना खा लिया, तो मेरे यहाँ पे दोस्त थे कुछ, तो उनके साथ मैंने खाना खा लिया है। तो जाके देखता हूँ क्या होना होता है।